हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करने वाले हमारे डिवाइन मैस्कुलिन से एक लविंग लव लेटर, ठीक है? तो देखेंगे कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमसे क्या कहना चाहते हैं, उनके लव लेटर में क्या बातें हैं, उनके दिल में जो वो नहीं बताते हैं आप लोगों को, क्या छुपा रहे हैं, क्या फीलिंग्स है जो वो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, क्या रोमांटिक फीलिंग्स है जो अपने अंदर वो दबा के रखते हैं। तो ये बातें जो है हम करेंगे आज की रीडिंग में। उससे पहले लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं या कुछ भी लेना चाहते हैं मुझसे, तो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है गाइज? तो चलिए देखते हैं कि आज की जो है रीडिंग क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन क्या फील कर रहे हैं। यू आर अ विश कम ट्रू एट अ रॉन्ग टाइम। तो सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके विश कम ट्रू है, बट आप रॉन्ग टाइम में उनको मिले, ऐसा उनको लगता है, ठीक है गाइस? देखते हैं और क्या फीलिंग्स है जो छुपा रहे हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन आपसे। ओके, तो ये कार्ड बेंड हो गया, इसको ले लेते हैं। फॉर मी लव इज़ अ स्वीट फीलिंग आई हैव फॉर यू। तो यस, कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसे फील हो रहा है कि आपके लिए जो फीलिंग्स है उनके लिए स्वीट जो फीलिंग्स है वही लव होता है। पर ये बेंट आया है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर उनको मतलब फील हो रहा है। चलिए गाइज, ये कार्ड उड़ के आया है। आई लव द वे यू टेक रिस्क सो कॉन्फिडेंटली, आई विश आई कुड डू इट टू। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन को अच्छा लगता है जब आप रिस्क लेते हो और कॉन्फिडेंटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो वो विश करते कि काश वो भी कोई रिस्क ले सकते। प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई गिव ऑल द अटेंशन यू डिज़र्व टू माई वर्क। तो अगर वो थर्ड पार्टी को सारा अटेंशन दे रहे हैं आपकी जगह, या अपने काम को सारा अटेंशन दे रहे, तो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। माई हार्ट एंड माइंड आर ऑन अ कॉन्स्टेंट बैटल अबाउट दिस कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज रहते, अगर आपको डिनाई भी करे तभी भी वो कन्फ्यूज रहते, क्योंकि वो आपसे फीलिंग्स हैं उनको, और उनको लगता है कि आप उनके विश कम ट्रू हो, लेकिन वो जो है समझ में ही नहीं आता उनको कि कैसे रिएक्ट किया जाए। चलिए देखते हैं गाइज और क्या आता है। आई एम एन इमेच्योर एंड स्टबर्न चाइल्ड इन द मैटर्स ऑफ लव, कह रहे हैं वो। तो उनको ऐसा लगता है कि लव में उनको कुछ भी नहीं आता है, और वो काफ़ी मतलब स्टबर्न है, काफ़ी जैसे उनको चाहिए चीज़ें वैसे ही होनी चाहिए, तो वो उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। माई एंगर एंड ईगो लीड मी टू अ डाउनवर्ड स्पाइरल कॉल लाइफ। वो आपसे ये भी छुपाते हैं कि उनको एंगर इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन को, क्योंकि उनका सोलर प्लेक्सस काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है, तो इसी वजह से वो स्टबन भी होते हैं, इसी वजह से वो ज़िद्दी ज़बरदस्ती वाले भी होते हैं, इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा और ईगो भी होता है। आई फियर फियर भी है इनको बहुत ज़्यादा सोसाइटी का, बिकॉज उनको ऐसा लगता है उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है? ये भी बात वो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं उन्होंने स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि वो आप उनके विश कम ट्रू हो। लेट्स सी और क्या लविंग बातें वो आपसे करना चाहते हैं। प्लानिंग योर माई वे आउट एंड आई होप यू वॉन्ट रिजेक्ट मी। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो इस कार्मिक झंझट से निकले, और होप करें, विश करें कि आप उनको रिजेक्ट नहीं करोगे जब वो आपके पास आएंगे। से वॉट यू हैव टू एंड आई प्रोमिस आई विल नॉट जज यू। तो कहीं ना कहीं वो जानते कि आप अपने मन में बहुत सारी बातें रख के बैठे हो और आप चाहते हो उनके साथ शेयर करना, तो कह रहे हैं कि कर लो भाई मुझसे बात, में तो मैं जज नहीं करूँगा। आई विश आई हैड द करेज टू चूज़ यू अर्लियर, आई रिग्रेट इट। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी है कि काश मैंने इसको अर्ली पहले ही चूज़ कर लिया होता, ये बात भी डिवाइन मैस्कुलिन के मन में है। इट्स हार्ड ऑन मी टू डिनाई अ कनेक्शन। तो उनको ऐसा लगता है कि वो जब आपको जाने दे रहे हैं तो उनकी खुशियों का मतलब उनकी खुशियों को वो कुर्बान किए जा रहे हैं, वो उनको आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं वो, लेकिन उनको करना पड़ रहा है दूसरों के वजह से। आई नो यू लव मी सो स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड। तो अपने अंदर से कह रहे हैं कि भाई पता है हमको कि आप हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, हम इतनी कोशिश मत करो, ठीक है? लेट मी टेक द लीड इन दिस कनेक्शन। क्यों तुम कोशिश मत करो, क्योंकि आप अगर कोशिश करते रहोगे गाइस
तो वो कब मतलब स्टेप ले पाएंगे या कुछ सीरियसली कर पाएंगे इस कनेक्शन में, अपना रोल दिखा पाएंगे? आप ही सब कुछ करोगे तो वो क्या कुछ कर पाएंगे? आई हैवंट हैड मैनी फ्रेंड्स, आई हैव ट्रस्ट इशूज, गिव मी सम टाइम. तो कहीं ना कहीं उनके ट्रस्ट इशूज भी बहुत ज़्यादा इस टाइम हाई है, और जिसकी वजह से वो आपको बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दो क्योंकि मुझे ट्रस्ट इशूज़ के साथ भी डील करना पड़ रहा है इस समय पे. आई ड्रीम ऑफ यू इन द नाइट एंड वेक अप इन अ गुड मूड. तो हर रात वो आपकी ड्रीम्स देखते हैं, ये भी वो आपसे छुपाते हैं, लेकिन जब सुबह को उठ के देखते हैं कि कुछ भी नहीं चेंज हुआ है तो उनका मूड बहुत ऑफ हो जाता है. बीनीथ अ स्ट्रॉन्ग शेल इज अ टेंडर लविंग हार्ट. तो वो आपके साथ जैसे भी बिहेव कर रहे, एकदम स्टबन या बिल्कुल भी आपको नहीं दिखा रहे हैं कि क्या फीलिंग्स है, तो वो बोल रहे हैं कि इस जो मैं दिखा रहा हूँ उसके अंदर अगर डीपली जाकर देखोगे तो मतलब प्यार है. ठीक है, बहुत लविंग हार्ट है मेरा, दिल मेरा बहुत प्यार वाला है, बट मैं वो आपको सिर्फ टफ एक्सटीरियर दिखाते, नारियल की तरह बाहर से एकदम सख्त और अंदर से बहुत ज़्यादा प्यार. आई हैव ट्रबल्स चूजिंग वन. तो ये भी उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको एक चूज, अगर एक आपको चूज करते हैं तो बहुत कुछ लाइफ में उनको छोड़ देना पड़ता है, उनकी फैमिली, सोसाइटी, मतलब बहुत कुछ उनको लाइफ में चेंज करना पड़ेगा. आई फील द प्रेशर टू प्लीज़ यू. कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है उनसे, या दुनिया में अपने एक आइडियल पार्टनर का जो आपने एक्सपेक्टेशन बना रखा है वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे. सी यू जस्ट वेटिंग फॉर मी डाउट मेक्स मी डाउट यू मोर. तो कहीं ना कहीं इनके लिए कभी किसी ने भी इतना वेट नहीं किया है, तो ये सोच रहे मेरे में ऐसा क्या है, क्यों मेरे लिए इतना वेट किया जा रहा है. और लास्ट है, आई स्टॉक यू ऑन एवरी सोशल मीडिया एंड लीव नो ट्रेसेस ऑन मी ऑफ मी. तो कहीं ना कहीं हर जस्ट सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी आप हो वहाँ पर वो आप कहते होंगे कि भाई नहीं मतलब वो तो व्हाट्सएप पे ब्लॉक्ड है, फेसबुक पे उनको मेरा दिखाई नहीं देता, तो कैसे, तो कुछ कॉमन फ्रेंड्स होंगे, कैसे ना कैसे न्यू एक फेक अकाउंट बना के कहीं ना कहीं से तो वो आप पे नज़र रखने की पूरी कोशिश करते रहते हैं. तो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक तो नहीं था, बट काफ़ी ज़्यादा बातें मतलब निकल के सामने आई इस रीडिंग में जो वो आपसे छुपा रहे थे, आपसे नहीं कर पा रहे थे. तो चलिए गाइज इसी के साथ आज की रीडिंग यही ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय.